अब एक अधिकारी की बात कहानी दिखाता हूं, जिसके पास अपने आय से 6,000 गुना अधिक संपत्ति। ये ना तो किसी शोरूम का नजारा है, ना ही किसी उद्योगपति की पार्किंग में खड़ी कारें। महंगी गाड़ियों का ये काफिला एक डिप्टी कलेक्टर का है, जो 30,000 रुपए की तनख्वाह कमाता था। महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो ने नितेश ठाकुर नाम के इस शख्स को छापे मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी की 18 टीमों ने राज्य में नितेश के 26 अलग अलग ठिकानों पर छापे मारकर संपत्ति की जांच की। इसके पास से विले पार्ले के पॉश इलाके में 2 डुप्लेक्स फ्लैट के साथ मुंबई के कई इलाकों में 11 फ्लैट की जानकारी सामने आई है। एसीपी को 20 लाख की एलसीडी टीवी और क्रिस्टल की बनी कई महंगी और पुरानी कलाकृतियों का भी पता चला है। नितेश की संपत्ति 120 करोड़ के करीब आंकी गई है, जो उसकी आय से 6,000 गुना ज्यादा है। मामले का खुलासा शायद नहीं हो पाता अगर नितेश ने अपने चाचा की जमीन नहीं हड़पी होती। चाचा ने एसीबी में नितेश की करतूतों का भांडाफोड़ कर दिया। आज से लगभग 8 महीने पहले जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस अधिकारी को अपने पार्टनर को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया था, तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि इसके पास 120 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति आएगी। अब एंटी करप्शन ब्यूरो ये पता लगाने में जुटी है कहीं इसकी कोई और बेनामी संपत्ति तो नहीं। मुंबई से कैमरामैन सुहास के साथ धर्मेंद्र तिवारी, एनडीटीवी इंडिया।